हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पोकन इंग्लिश। देखिए, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो हमारा डिस्कस रहेगा वो केवल एक सिंपल सेंटेंस पे रहेगा कि हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि यहाँ पर ईच, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल और विल, इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम सबसे पहले इनका एक एक का अर्थ जानते हैं कि हम इन सब को कहां कहां पर सेंटेंस में काम में लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो यहां आपका जो ये वर्ब दी जा रही है उसका मीन क्या होगा। देखिए, इज जो यहां पर काम में ले जाएगा वो होगा है के लिए, आर बी होगा है के लिए जो प्लुरल के लिए होगा, एम होगा हूं के लिए। फिर उसके बाद में देखते हैं वॉज होगा था के लिए, थी के लिए, और वर होगा वो थे के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हैज रखना, हैव रखना, ये प्लूरल के लिए होगा और ये सिंगुलर के लिए होगा। फिर उसके बाद में है हैड रखते थे, उसके बाद में सेल और विल, इनका मीन गा, गे, गी, आई और वी के साथ में यूज लिया जाएगा सेल और अन्य के साथ में यूज लिया जाएगा विल। उसके बाद में है शुड चाहिए के अर्थ में, फिर उसके बाद भी ले जाएगा कैन सकना, और मैं ये भी आपके सकना के अर्थ में काम में लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ वर्ड आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही ज्यादा अपने काम में आने वाले हैं जब हम इंग्लिश को स्पीक करेंगे। इज का मीन होता है, आर का मीन भी है जो प्लूरल के लिए होगा। ये आपका यहाँ पर आर जो होगा वो प्लूरल के लिए है, इज जो है वो आपका सिंगुलर के लिए है, ठीक है। एम आपका आई के साथ रहेगा, वॉज आपका ये सिंगुलर के लिए रहेगा, वर है ये प्लूरल के लिए रहेगा, हैज ये आपका सिंगुलर, हैव आपका प्लूरल है ही, हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए रहेगा, सेल विल का ऑलरेडी आपको बता दिया, गागेगी जो आई और वी के साथ सेल अन्य के साथ में गागेगी रहेगा, शुड चाहिए, कैन शकना और मैं शकना। तो देखिए, इनसे हम कुछ सिंपल जो अपने सेंटेंस बनते हैं उन सिंपल सेंटेंस को हम यहां पर बना के देखेंगे और इंग्लिश बोलने में उन सेंटेंस को आज से हम काम में लेंगे। तो चलो देखिए, यहां हम इनके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन लोग यूज ऑफ इज, आर, एम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। देखिए यहां पर हूं के अर्थ के लिए किसका यूज किया गया, एम का यूज किया गया, ठीक है। और अपन ने इस एम का जो मीन था उसका भी अपने यहाँ पर जो अर्थ जाना था वो हु ही जाना था, ठीक है। फिर मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, वह एक
डॉक्टर है, तो क्या बन जाएगा, ही इज है के लिए इज, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वी आर प्लेयर, हम खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए है प्लूरल फॉर्म के लिए आएगा, और प्लूरल क्या है यहाँ पर, वी प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसका यूज किया गया, आर का। तो हम अब सेंटेंस बोलेंगे वी आर प्लेयर। अब हम जो है अपने बोलचाल की जो लैंग्वेज है इंग्लिश में, जब हम यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जब टॉकिंग करेंगे तो बहुत से ऐसे सेंटेंस है जो इजारम से बनते हैं, और उनको हम बार बार आज रनिंग में लाएंगे, उन सेंटेंस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बहुत से सेंटेंस बोले, जैसे मैंने कहा कि वे खिलाड़ी हैं तो दे आर प्लेयर, मैंने कहा हम सिंगर हैं, हम गायक हैं तो वी आर सिंगर। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बनाएंगे, और जब सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार हम बनाते बनाते अपने बोलचाल की लैंग्वेज में उन्हें लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना यूज ऑफ इज आर एम। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम आगे का जो अपना है वो वॉज और वर। एक मिनट, देखिए इज का एक छोटा सा अलग मीन भी होता है। देखिए होता है कि इज का जो अर्थ है वो होता है कि अर्थ के लिए भी होता है। ठीक है, इज जो है उसका मीन होता है कि अर्थ के लिए भी होता है। देखिए इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, जिसे मैंने कहा शुगर इज स्वीट, मैंने कहा शुगर इज स्वीट यानी चीनी मीठी होती है। ठीक है, तो होता है कि अर्थ के लिए भी हम यहाँ पर इज को काम में लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इज का मीन जो है हम लेके होता है कि अर्थ में भी, जैसे शुगर इज स्वीट। अब देखिए मैं इसको इज का मीन लगता है कि अर्थ में भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट, इसका मीन भी अब क्या हो जाएगा, चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट, यही इसका मतलब सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन होगा। क्या बन जाएगा, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। दोनों का जो जो अपन ट्रांसलेशन करेंगे इन इंग्लिश में वो आपका सेंटेंस बनेगा शुगर इज स्वीट। तो इस प्रकार से हम जो सेंटेंस है वो काम में लेते हैं। जिसे मैंने कहा हनी इज स्वीट, ठीक है, शहद मीठा होता है, इसको मैं बोल सकता हूं कि शहद मीठा लगता है, यानी दोनों रूपों में अपन देखा जाए तो यहां पर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हम कुछ इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लिखा है यहां पर ऑरेंज इज श्योर, यानी अंगूर खट्टे लगते हैं। ठीक है, ऑरेंज इज श्योर यानी ऑरेंज जो है, अंगूर जो है वो क्या है, खट्टे लगते हैं। तो इस तरीके से हम होता है और लगता है के अर्थ के लिए भी इज फॉर्म को काम में लेते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, कई बार हमें इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो प्रॉब्लम दे जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उन सेंटेंस को समझे कि यहाँ पर उसका होता है या लगता है, तो इसके लिए हम उस इज काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखते हैं आगे यूज ऑफ वॉज वर। देखिए वॉज वर वाले जो सिंपल सेंटेंस है उनको हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं गरीब था, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वॉज पुअर। देखिए मैं गरीब था, देखिए था के अर्थ के लिए वॉज वर काम में लेते हैं, सॉरी था के अर्थ के लिए वॉज काम में लेते हैं, और थे के अर्थ के लिए क्या लेते हैं, वर काम में लेते हैं। तो देखिए था तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, वॉज, आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। ठीक है, जैसे हम वी वर प्लेयर, वी वर प्लेयर, हम खिलाड़ी थे। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस ले सकते हैं, वी वर रिच,
हम धनवान थे। इस तरीके से अपन लोग वॉज वर वाले सेंटेंस को भी इस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। जहां थे आता है वर काम में लीजिए, जहां पर था आता है वॉज काम में लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम वॉज वर वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज और हैव, यानी हैज हैव का यूज किस तरीके से अपन लोग यहां करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर मेरे पास या मैं एक पेन रखता हूं। ठीक है, देखिए रखना के अर्थ के लिए हैज हैव काम में लेते हैं। जब सिंगुलर होता है तो हैज, और जब प्लुरल होता है तो हैव। तो यहां पर आई क्या है, प्लुरल है, तो इस स्थिति में आई हैव ए पेन। ठीक है, आई हैव ए पेन। ठीक है, वे कार रखते हैं या वह एक कार रखता है तो क्या लिख देंगे, ही हैज ए कार। इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी उसके पास में एक कार है, मेरे पास एक पेन है। इस तरीके से भी हम लोग हैज ए वाले सेंटेंस जो है यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में कर सकते हैं। आज के बाद केवल ये सेंटेंस जो है आप दिमाग में ला करके इंग्लिश आपको कुछ इस तरीके से बना करके उन सेंटेंस को बोलना है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको आप लिखोगे कॉपी में, लिख करके उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे। ठीक है, तो बार बार जब इन सेंटेंस को आप बोलते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो ये इंग्लिश से जो सिलेबस है वो इतना इजी लगने जाएगा, स्पीकिंग इतनी इजी लग जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, तो स्पोकन बहुत सिंपल होता है यदि आप मेरे साथ इन सेंटेंस को यदि सोल्व आउट करते हुए जाते हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज यदि करते चले जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम यहां पर यूज करेंगे शैल और विल का। देखिए सेल विल क्या होता है, अभी मैंने कहा कि गा गी गी के अर्थ के लिए हम सेल और विल को काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, मैं कल जयपुर जाऊंगा तो आई सेल गो टू जयपुर। ठीक है, देखिए सेंटेंस वही है कि सेल जो यहाँ पर आपने काम में लिया, गागेगी के अर्थ के लिए काम में लिया, और यहाँ पर आपने आई के साथ में सेल का यूज कर दिया, तो आई सेल गो टू जयपुर। ठीक है, मैं सॉरी आई सेल गो टू जयपुर टुमारो, कि मैं आने वाले जो कल है वो जयपुर जाऊंगा। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, आई सेल ईट फूड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है जिनको, जैसे वह कल किताब पढ़ेगा तो ही विल रीड ए बुक टुमारो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सेंटेंस सेल और विल के माध्यम से भी सेंटेंस बनाएंगे, और इसके भी आप एक्सरसाइज के बतौर कम से कम 10 सेंटेंस आप खुद बना के देखोगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जो है एक्सप्लेनेशन कीजिए, हम यहाँ पर आपको दोबारा से उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सेल विल हो गया, अब देखते हैं यहाँ पर अपने पास में बचा शुड। ठीक है, और मैंने कहा था शुड का मीन चाहिए के लिए होता है, चाहिए के अर्थ के लिए शुड को हम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये लिखना चाहिए कि मुझे या स्टूडेंट्स को इन सबको आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो शुड आपको काम में लिया जाता है जो एक मॉरल ड्यूटी को बताता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर वी शुड ओबे द पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स है उनकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ पर शुड है और शुड का मीन यहाँ पर क्या हो गया, चाहिए के अर्थ में काम में लिया। एक आता है कैन, और कैन का मीन होता है यहाँ पर सकना। कैन का मीन क्या होता है, सकना, जिसे मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दिस बुक, यानी मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ।
कैन, कैन जहां पर आए उसका मीन आप लोगे सकना, और इसी स्थिति में आई कैन रीड दिस बुक। इस तरीके से हम सेंटेंस को जो है सोल्व आउट करते जाएंगे, जितने भी सेंटेंस, जैसे मैं इसको उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, यानी मैं इस वजन को उठा सकता हूं। इस तरीके से हम जो है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, हैव और जो शुड है, कैन है, इनसे हम जो सेंटेंस है वो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बनाइए, बना के देखिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो तुरंत है हमारे से यहाँ पर डिस्कस कीजिए। देखिए हम, मैं आपको कुछ जनरल लैंग्वेज में, डेली यूज में जो आपके इंग्लिश सेंटेंस है जो आपको काम में आते हैं, उन सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इनके ऊपर आप बराबर डिस्कस करते रहना, क्योंकि 30 क्लास पूर्ण होने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कहूंगा कि आप लोग इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ मेरे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है उनको देखिए। देखिए हमारे यहाँ पर डेली चीज कुछ सेंटेंस है, जब आप उठते हो तो वेक अप, उठ जाओ, आपको गार्जियंस बोलते हैं, तो उसका जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है वो वेक अप होता है, उठ जाइए, छोटे सेंटेंस से बड़ा महत्व रखते हैं। टेक बाथ, नहा लो, टेक बाथ, नहा लो, हरी अप, जल्दी करो, गो एंड प्ले, जाकर खेलो, क्लीन इट, इसे साफ करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, बी हैप्पी, खुश रहो, डोंट मूव, हिलो मत, व्हाट हैपन, क्या हुआ, टेस्ट इट, इसे चखो, एनीथिंग एल्स, और कुछ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। देखिए दोनों को समझना, एनीथिंग एल्स और कुछ, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। बी केयरफुल, ध्यान से, गिव मी, मुझे दो, दिस वन, यह वाला, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ये आपके कुछ डेली जी सेंटेंस है जिनको आप एक्सरसाइज में लाओगे, रनिंग में लाओगे, डेफिनेटली आपका जो स्पोकन जो क्लास है वो आपको बेनिफिट डेफिनेटली देगा और आपको मिलेगा भी। एक्सरसाइज करते ना, आज के लिए बस इतना ही, आने वाली क्लास में हम और भी आगे जो सिंपल सेंटेंस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।